डरबे वाले नहीं है जो राहुल जी ने कही हम कमजोर के संग चाहे हम कच्चू हुए हम लड़ेंगे। बूढ़े लोग हैं तो नए लोगों को जगह बहुत बड़ी संख्या में मिलवे जा रहे। तो राहुल जी की जो बात अति बात है सबको बहुत मजा आओ और लुटाई अलग हो रही सब बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, रेलवे बिक गई। भैया रो राम राम नमस्कार, हमें तो चिंता हुई है। नाम है माओ सचिन चौधरी, इस समय बुंदेली बोछार के कार्यालय में आए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, जो बुंदेलखंड की राजनीति के बड़े चेहरा हैं। और बस आए थे सो हमने कि चलो कुछ गपशप हो जाए। रायपुर से लौटे हैं कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन से। भाई साहब राम राम। राम राम भैया, जोहार सचिन भैया। अधिवेशन से लौटे आप कांग्रेस के अधिवेशन में, क्या हासिल भाव? हमें तो जो लगत के जहाँ से हमारी शक्ति बढ़ गई का इतनी एक अच्छा माहौल होता। और राहुल जी तो जो बोले सो रोंगटे खड़े हो गए, एक एक जना जनी सब उठ के खड़े हो गए, चिल्लाने लगे। काहे कि उनने जो बात कही सभी लोगों की कही। उनने कही एक तरफ अर्बन लोग हैं और एक तरफ एक आदमी है, तो वो एक आदमी इतने एक ताकतवर है कि बाकी संगे सरकार भी हो गई, प्रधानमंत्री भी हो गए। वो गलत कर रहा हो सब लूट खसोट रहा हो तो पूरी सरकार उनके संगे खड़ी हो जाए, सब उनके अकेले नहीं छोड़े, सब जनता को सभी जनन के लाने कांग्रेस लड़े। सो राहुल जी की जो बात अति बात है सबको बहुत मजा आओ। का जब देश में ना तो 2.5 करोड़ लोगों ने काम मिल रहा हो, ना काला धन आओ, ना बुलेट ट्रेन आई, ना स्मार्ट सिटी बनी, कच्छू नहीं हो रहा हो तो, और लुटाई अलग हो रही सब बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, रेलवे बिक गई, स्टेशन बिक गए, अब कछु बचो नहीं है। और ऐसे में नीचे के नीचे LIC और SBI नीचे की तरफ गोता खा रहा है, तो कोई ना कोई को तो बोलने पड़े कि ED से डरा रहा है, कोई SCBI से डरा रहा है, छुटपुटिया लोगों को जो है उनको पुलिस से डरा रहा है। तो डरबे वाले नहीं है जो राहुल जी ने कही हम कमजोर के संग चाहे हम कछु हुए हम लड़ेंगे। सो सभी में बहुत ताकत आई, हम लोगों में भी बहुत ताकत आई कि हम बुंदेली लोग हैं, हम जाना थे हमारे चाहे राजा छत्रसाल हों, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हों, झलकारी बाई हों, गुलाम गोस्का हों, मर्दन सिंह हों, सभी लड़बे वाले थे। भले वे मर मिट गए लेकिन उनने लड़बोपन नहीं करो, सो हम लोग लड़े। तो आप तो लड़े कमजोरन के संग लड़े, लेकिन पार्टी जब कमजोर है तो कैसे लड़े? तो पार्टी की मजबूती के लाने का भाव? पार्टी की मजबूती के लाने तो बहुत ही अच्छा एक चिट्ठी बाँची गई, और वह चिट्ठी के अंदर जो ही हतो कि सभी जने अगर जहाँ से सहमत हों तो सभी जने अपने अपने हाथ उठाएं। सो बाकी अंदर जो ही हतो कि 50% हमारे जो यूथ हैं, जो हमारे दलित हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, वो सब एक संगे उनको सहभागिता मिले, उनको CWC में सहभागिता मिले, उन्हें कांग्रेस संगठन में मिले, AICC OPCC सदस्य मिले। काहे कि जब सभी जने मिल जाएं तो फिर कांग्रेस खड़ी हो जाए। क्या कछु जना ने लगा तो जा तो कछु लोग ही को जामे तो सब पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, तो नए लोगों को जगह बहुत बड़ी संख्या में मिलवे जा रही। सो जहाँ से जब चिट्ठी जैसे ही पढ़ी सभी ने अपने अपने हाथ उठाए, तो बात से तो लग रहा हो कि अब सबको वो हो और लड़ रहे हम सीधे। अब जो चुनाव है हिमाचल के चुनाव, अब हिमाचल में सबसे ज़्यादा जनी मानस हिंदू हते, उतरे अल्पसंख्यक के हते ही नहीं, 98% तो उन्हें भी समझ में आ गई सब है कि जे केवल जात के नाम पर धंधा करत, जे कछु देवे वाले नहीं है, इन्हें कछु नहीं करने, तो उन्होंने हिमाचल में हरा दो। सो अब मध्य प्रदेश और देश में जो चुनाव आने हैं, सो हमें लगे थे जस सम्मेलन के बाद से एक नई ताकत बने। मध्य प्रदेश की सियासत पे ही बात करें, उत्तर प्रदेश में तो अभी हाल में ही सब चुनाव है, पार्टी बहुत बुरी स्थिति में रही, अब मध्य प्रदेश में चुनाव है, बुंदेलखंड आपको नज़दीक लगा थे, आपकी कछु मध्य प्रदेश में सक्रियता होने? हम देखो सचिन भैया, हम तो सिपाही हैं, हमारी पलटन में जो हमसे कहो जाए, अभी भी हम हमारे बुंदेलखंड में जितने जितने मध्य प्रदेश से दिन भर जितने जो बुलाते हैं सो हम जाते हैं, अगल बगल की जितने एक जगह होते हैं सो हम जाते हैं। और संगठन अगर अलग से कुछ जिम्मेदारी दे तो वो भी करें। हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि जब कुर्सी जो है, जब कुर्सी पे एक को हक नहीं होना चाहिए, जब कुर्सी पे सबको सभी जनन को हक होना चाहिए। का जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जब कोई की राजशाही नहीं है कि एक परिवार को पूरी दुनिया की दौलत दे दे, एक परिवार अकेलो चल के पूरी सत्ता पे काबिज हो जाए, तो वही
आज हम देखत हैं कि कांग्रेस ने एक जन नीति बनाई है कि सभी को मौका मिलने से जहाँ में जो हमसे कहें सो वो हम करें। लेकिन जी तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं उठ पाई तो ऊ केहो लेके भी कछु चिंता तो भई हुई अधिवेशन में, क्या मान लो ठीक है चुनाव उनाव हो गए, अब अगले 5 साल में जो आपको ब्रह्मास्त्र तो प्रियंका गांधी जी उनके पूरे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े लेकिन इतनी बुरी हालत भाई, तो अब अगलो अब अस्त्र का बचे। सचिन भैया आपको जो चैनल है आप खुद ही पूरे मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, आपने अपने पैसों से एक रथ बनवाओ और लोगों से पूछ रहे, आप सब समझ रहे कि मध्य प्रदेश की जनता का चाहत तो आप कछु खुद ही देख रही हो कि बदलाव मध्य प्रदेश में होवे वालो है, क्या आप नहीं कह सकत, लेकिन आपके जो देखत हैं जो लाखन लोग आपको देखत हैं तो वे सभी देख रहे। उत्तर प्रदेश में चूंकि आप कई जगह गए कई जगह नहीं गए, एक माहौल बना था लेकिन वो इलेक्शन बाईपोलर हो गया, बीजेपी वर्सेज सापा हो गया और बाकी लाने कोशिश हमने खूब करी और कोशिश करवे वाले की कब हम हार नहीं हो, और प्रियंका दीदी तो दिन रात लगी रही, आज सभी पार्टियों ने उनकी बात स्वीकार ली, सब मैलान की बात करने लगे, उन्हें कही थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक भावना करी ना जैसे झांसी की रानी मर गई थी लेकिन उनने पूरी दुनिया में संदेश दे दो। प्रियंका गांधी तो इतने की शक्ति लेके गई से हिमाचल में वही बात करी से हिमाचल जीते, अब चाहे कर्नाटक हो मध्य प्रदेश हो छत्तीसगढ़ हो राजस्थान हो सभी जगह प्रियंका जी की जो पॉलिसी हती वह पॉलिसी कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रही जे तो केवल जुमला देते, अब सारे कर्मचारी जे सब योजना प्रियंका दीदी की है, सो मध्य प्रदेश में भी उनकी सक्रियता से सरकार बनवे में और अब की बार जो विधायक चुरा नहीं सकत सरकार लूट नहीं सकत इनकी लूट खसोट पर रोक लग जा का एक भारी मतन से कांग्रेसियन को जीतने इतनी सीटें जीतने के जे बाकी लूटा मारी पाकिट मारी नहीं कर सकते। लेकिन जी तरीके से अब बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करें झांसी के आसपास या सब जगह जी तरीके से सपा के नेताओं पर बड़ी कार्रवाई हो रही है, कही जा रही कि उत्पीड़न है, जो है सपा के लोग कह रहे हैं भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सही कार्रवाई है, ईको लेकर का माहौल है, चाहे थे डराए धमकाए, जब मुल्क से अंग्रेज भग गए थे तो अब जो डरावे धमकावे पे क्या करें। हम झांसी की आपको एक बात बता दें, इनने कई लोगों ने बंद कर दो उरई जालौन में कर दो, तो बासे लोगों में कछु फर्क, सब तैयार हैं लड़वे के लाने, और झांसी में तो एक मोहल्ला ऐसा है स्मार्ट सिटी कह रहे कि जो हम स्मार्ट सिटी बना रहे, मेहंदी बाग मंदिर हजारन साल से तो पूजा होती और जब झांसी बनी तो झांसी बनवे के बाद मेहंदी बाग मंदिर में सभी जन उत के 100 मकान वाले मकान बेचवे के इश्तहार लगाए, रानी के वंशज हैं, कहा है उत पूरे में पानी भर जात, घरन में सांप आ जात, बिच्छू आ जात, टीवाल अवे, हम गए थे हमने बाद में कही हमने कि सब चीज़ें तुम्हारे पास हैं, विधायक तुम्हारा, मेयर तुम्हारा, जिला पंचायत अध्यक्ष तुम्हारा, सांसद, और बाकी बाद स्मार्ट सिटी में इनको पानी घर में घुसबो बंद नहीं हो रहा, तो ये जो बुंदेलखंड में चाहे उत्पीड़न हो चाहे व्यवस्था हो ये सब लोगों के दिमाग में है, तो आने वाले दिनान में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भी बहुत ही बड़ा बदलाव दिखाई दे। लेकिन जी तरीके की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उखो लेके सवाल है कि ऊपर विपक्ष बाकी विपक्ष चुप का है, सपा के लोग तो कह रहे हैं वहाँ उत्पीड़न हो रहा हो लेकिन कांग्रेस या बसपा पे मौन काय हो जाए, कांग्रेस ही इन पर भी उत्पीड़न हो रहा और हम उत्पीड़न के लाने हमेशा ही आवाज उठा, हमारे जो पहले के प्रदेश अध्यक्ष थे उन पे 100 से ज़्यादा मुकदमा लगे लल्लू भैया पे, अब है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं अजय राय पे लगा दो, उनने उधर पे खावरी जी पे लगा दो, तो भी तो लगाते ही रहता, हम लोगों पे लगा दो, बात है हम लोग डरवे वाले नहीं हो, हम लोग बोलते हैं चूंकि मीडिया में हम लोगों को जगह नहीं मिलत, आप तो बुंदेली माठी के हो तो जगह दे रहे, हमें कोई टीवी वाले थोड़ी दिक्कत बद सब चले गए, कितम लोकतंत्र नहीं है, जब हमारे मुल्क को चीफ जस्टिस खुद ही कह रहा हो कि जो गलत हो रहा हो, जो नफरत की आवाज़ फैलाई जा रही, सबकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, एक व्यापारी पूरे देश के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, वो बात आना चाहिए लेकिन जगह ही नहीं मिल रही, अब जो उन्हें दिखाना है सुबह सब है देखने, मंदिर जी में रहने तो दिन भर बस घंटा की आवाज़ सहने, वही है जो उन्हें बोलने सुबह हो रहा, हम लोग तो भगवान राम के राजा के राम रूप में पूजत बुंदेलखंड के लोग, 12.5 वर्ष भगवान राम चित्रकूट की माटी में रह, जब उन पर विपदा पड़ी
और ओरछा के अंदर तो हमने सलामी दे, एक ही जगह है दुनिया के अंदर। सो हम लोग जब आत को जाना थे, हमने देखो है पिछली हमारी सरकार बनी थी, हमारे मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, और बृजेंद्र सिंह राठौर तो अब जब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वे उनने होते कि राम पथ योजना बनाई, भगवान राम की लाइब्रेरी और मंदिर के आसपास जो एक स्थान है, तो भले ही हम लोग 15-20 साल से नहीं आते, हमने वाय को सब कराओ। और आज चाहे चित्रकूट को देख लो, चित्रकूट के अंदर भी योजना करी। अब इनकी सरकार तो दिल्ली में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, इनने कछु नहीं करो, सिर्फ ढोल मंजीरा के नाम पे लोगन को बरगलाओ। कबू इनने भगवान के मंदिरन के आसपास रहवे की व्यवस्था नहीं कराई, 24 घंटा लाइट नहीं दी, मंदिर से लाइट के अभाव में कनेक्शन काटे जात, मंदिरन पे जल कर आ रहो, मंदिरन पे ग्रह कर आ रहो। अब मंदिर तो भगवान के मंदिर हैं, गाय माता जेसीबी से फिक रही, सड़कन पे डली, कुचल नहीं, कच्चू नहीं, गौशाला है मानी। पिछली बार हम जब हमने गाय माता की बात करी, गैया माता की बात करी कि तुम गाय गंगा गोबर की बात करो, सो हमारे घर पुलिस बिठा दी, मिलिट्री बिठा दी, हमने मार डालो, हमें मार दो हमें गोली, लेकिन हम गाय माता को बचाएंगे। कहे गाय सबकी है, कोई एक पार्टी की नहीं है। अब कितने गाय माता के लाने, इनके नंबर डले एम्बुलेंस के, इनके नंबर डले हॉस्पिटल के, इनके नंबर डले गौ आश्रय के, एक और नंबर नहीं उठा। आप अब मोबाइल खोल लो, बागे अंदर लिखो कि आप फोन करो, डायल फ्री नंबर पे से जहाँ पे गाय अगर कोई घायल है ले जाए, कितना नहीं है, कोई अस्पताल ही नहीं है, और बस गाय की फोटो दिखा के वोट मांगत। अरे भैया गाय खो जगह जगह फेंको जा रहा हूँ, अरे गाय हमारी माता है, जब माता उस माता को में अग्नि कुंड के अंदर जलाना चाहिए। सरकार काय नहीं करत व्यवस्था, दिल्ली में तुम्हारी सरकार है, प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, गाय माता को जमीन में दफना दो भाई, पंचतत्व में विलीन करो। एक आखिरी सवाल, कब प्रदीप जैन मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होंगे, चुनाव लड़ेंगे मध्य प्रदेश से भविष्य में? नहीं, हम चुनाव हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कांग्रेस ने नेतृत्व दे दो, विधायक बन गए कई बार, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, और वे भी सम्मान मिलो अधिवेशन में, सो अभी तो जो कहें वे हमसे जो कहें, जैसो उनने कहो, हम कहा अपनी पार्टी से बने, अपने हाईकमान से बने, सो जैसे हमारे नेता कहें हम वैसो करें, लेकिन हमारा कछु स्वार्थ नहीं है कि मध्य प्रदेश में हमें चुनाव लड़ाया जाए, बाकी हम पार्टी के लाने 24 घंटा लगे रहे। तो प्रदीप जनाब साहब से पूरी चर्चा भाई, और अब मध्य प्रदेश में चुनाव करीब है, सो पार्टी उनको उपयोग मध्य प्रदेश में कितनों करत है जो देखने पड़े। राम राम। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाएं खास, होटल रॉयल पैलेस यहाँ पे है, 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी किटी पार्टी को बनाएं यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।